हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद हुड्डा का विरोधी खेमा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाला एसआर के गुट यानी शैलजा, रणदीप और किरण का गुट तकरीबन टूटने की कगार पर आ पहुंचा है। ऐसी चर्चाएं तेजी से हो रही हैं कि किरण चौधरी कभी भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेंगी। किरण चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर किरण चौधरी ने ना तो इकरार किया और ना ही इनकार किया, फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दिया। ऐसे में किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को और बल मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिलवाना चाहती थी। इसके लिए किरण समेत पूरा एसआर के गुट अपने हाईकमान के आगे पूरा जोर भी लगाया, परंतु हुड्डा का खेमा इतना मजबूत था कि एसआरके की एक ना चली और महेंद्रगढ़ भिवानी से टिकट हुड्डा गुट के रावदान सिंह को मिल गया। उधर बेटी श्रुति का टिकट कटने के बाद किरण चौधरी बेहद नाराज हो गई और चुनाव के बीच में ही कई बार किरण चौधरी और रावदान सिंह के बीच जुबानी जंग होती हुई दिखाई दी। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो, तो ये काम जो है करा गया है। इतिहास गवाह है कि हरियाणा कांग्रेस में जब से भूपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाली है तब से हुड्डा के विरोध में जो भी आया उसकी राजनीति कांग्रेस में मानो खत्म ही हो गई। कहते हैं कि हुड्डा ने सबसे पहले भजनलाल को निपटाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, उसके बाद हुड्डा के आगे कोई टिक ही नहीं पाया। हरियाणा सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने भी हुड्डा गुट के खिलाफ काफ़ी आवाज़ बुलंद की और पार्टी में बड़े पदों को लेकर हाईकमान के आगे पूरी ताकत भी लगाई, मगर अंजाम ये रहा कि कुलदीप बिश्नोई की दाल नहीं गली और उन्हें कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होना पड़ा। हालांकि कुलदीप से पहले हुड्डा गुट के खिलाफ एसआर के गुट मुखर रहा है, मगर चाहे संगठन हो या चुनाव हो हुड्डा के आगे एसआर के गुट को झुकना ही पड़ता है। तो आने वाले समय में इस हालत इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। कुछ सेटिंग के साथ काम चल रहा है, सब देख रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नजर आता है वो दिखता है, सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरे जाए दूसरों को मार दो, खत्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नजर नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है, 10 साल का क्या करा था, कहां से कहां कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कुमारी शैलजा खुलकर बोल रही थी कि उन्हें अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ना है। इसके पीछे शैलजा का एक ही मकसद था कि हुड्डा गुट के आगे सीएम पद की दावेदारी जताना। चुनाव की घोषणा के बाद जब टिकट वितरण की बारी आई तो सारे नेता, चाहे हुड्डा हो, किरण हो या सुरजेवाला हो, इन्हें छोड़कर कुमारी शैलजा को ही लोकसभा चुनाव का टिकट थमा दिया गया। हालांकि कुमारी शैलजा लाखों वोटों से चुनाव तो जीत गई, मगर विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी उम्मीद पर अब लगभग पानी जरूर फिर गया। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बाबरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे, क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे और लोगों की जो है आज के दिन जो ये जो भी आया ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनका उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से अगर क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी जो है अपनी राजनीति करी है, हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है। ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हजारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी जमीनें हड़पने के और पता नहीं क्या क्या, हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो है जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी के ऊपर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगे थे। इसके बाद भी चर्चाएं चली थी कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहती हैं। हालांकि काफी बयानबाजी के बाद किरण चौधरी ने खुद ही आगे आकर पार्टी छोड़ने की अटकलों को बेबुनियाद बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ और किसी के दबाव में पार्टी छोड़ने वाली नहीं हूँ। काम तो मान सम्मान की मान सम्मान हर एक आदमी का होता है,
और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं, वही एक चीज है कमाई जो करी। दरअसल किरण चौधरी एसआर के ग्रुप की बड़ी नेता हैं। किरण चौधरी खुलकर हुड्डा के खिलाफ बोलती हैं। किरण चौधरी कहती रहती हैं कि हुड्डा ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर रखा है। इसी तरह से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी हुड्डा गुट को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। यह तीनों नेता हुड्डा खेमे के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी सालों से चली आ रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अशोक तंवर ने हुड्डा से पंगा लिया था और इसके बाद तंवर का क्या हुआ ये सभी को पता है। अब ऐसे में कुमारी शैलजा और उनके गुट ने भी हुड्डा से सीधी टक्कर ले रखी है, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में तूफान मचा हुआ है। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही है, सटीक उनकी वाणी है, ईमानदार छवि की महिला है, कर्मठ है, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होके अपनी सारी बात रखती है और जो कहती है वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज सुबह शाम जो सोते हैं ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी किरण चौधरी का नाम सुर्खियों में है। चर्चाएं चल रही हैं कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी भाजपा के सिंबल पर मैदान में उतर सकती है। हालांकि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है कि किरण चौधरी बेहद नाराज हैं और उन्हें कांग्रेस छोड़ने के संकेत जरूर दिए हैं। अब क्या हुड्डा का विरोधी खेमा यानी एसआर के गुट अब टूटने जा रहा है या फिर बगावत की है पूरी कवायद, विधानसभा चुनाव को लेकर एसआर के ग्रुप की प्रेशर पॉलिटिक्स है।